ब्रज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के आ रहे हैं। और इधर राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में जा रहे हैं, क्योंकि गंगा से पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। तो जैसे ही भगवान भोले बाबा ने श्री राम को देखा तो बोले हैं सती से कि मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवोश दशरथ अजर बिहारी। राम के कानों में आवाज पहुंची तो बोले भैया लखन, मंगल भवन ये मंगल हारी, उमा सहित जपे त्रपु रारी। हमें और आपको भगवान भोले बाबा याद कर रहे। जैसे ही वहां से निकले, झुक करके भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया। मैया सती एकदम से कहने लगी, क्या कर रहे हो? अरे आप तीनों लोगों के नाथ होकर के इन बारे बारे बच्चों को प्रणाम कर रहे हो, शोभा नहीं देता। भगवान कहने लगे, देवी ये छोटे छोटे राजकुमार नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार राम और ये शेष नाग के अवतार लक्ष्मण है। बोले मैं नहीं मानती। तो बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले आओ, लेकिन सुनो समझाया
कि ये तीनों लोगों के नाथ हैं, भगवान विष्णु के अवतरित हैं, लेकिन कहां माने। परीक्षा लेने के लिए चली तो सबसे पहले लक्ष्मण के पास पहुंची। सीता का भेष धारण है और लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने जब देखा है मां सती को सीता के भेष में, कहने लगे हैं, बोले लक्ष्मण, हे मैया और हे शिवे, यहाँ क्या करती हो। भोले बाबा को अकेलो छोड़ बन बन में मात भटकती हो, क्या कर रही हो। देखा और मन में विचार किया कि जब छोटे बाले नहीं पहचान लो तो बड़े के पास जाएवे की जरूरत ही ना है। भागी हृदय कंप अवसुद कछु नाही, नैन मूंद बैठी मन माही। तो नेत्र बंद करके जब बैठी इनके आंखों के सामने राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति आने लगी। फिर भागी भगवान भोले बाबा के पास पहुंची। भगवान बोले, ले आई परीक्षा। बोले, नहीं महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले, अच्छा, तो तब शंकर देखा धरे ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब जान गए और अलग आसन डाल दिया। जवाब दिया, हमारा तुम्हारा बेटा पति पत्नी के रूप में नहीं, माँ और बेटे के रूप में होगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ का वेश धारण किया है। समाधि को लगा लिया। अब भोले बाबा की कोई ऐसी समाधि तो हती ना जो दो चार दिन में, दो चार महीना में, दो चार साल में खुल जाए। जब समाधि लगती थी ना तो वर्षे बीत जाती थी। समाधि को लगा लिया। हाँ भीन कही ना भीन कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोरे खड़ी रही। व्याकुल हैं बाबा तुलसीदास जी, लिखते हैं कि वर्षे व्यतीत हो गई कितनी, अरे बीते संपत और सहस 87 और खुली समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87, संबत माने वर्ष, सहस माने हजार। बीते संबत सहस 87, 87,000 वर्षें बीत गई, तब जाकर के भोले बाबा ने समाधि को खोला है। जैसी मैया पास में पहुंची तो जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं कुछ भी नहीं भूला, लेकिन पत्नी में वो प्रेम होता है। कहते हैं ना, नारी जो करे सो करे छोड़े। कहो तो राजा को रंग बनाए दे, घर घर वो डोले, औरत करे सो करे छोड़े। धीरे धीरे स्नेह हो गया और जब स्नेह हो गया है, एक दिन आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। उन विमानों में बैठ करके देवी देवतागढ़ जा रहे हैं तो मैया सती ने
भगवान से पूछा कि नाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता ने यज्ञ की है, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिता ने यज्ञ की, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहा महाराज और ये नगला बिस्ना से आए हुए विनोद फौजी साहब 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं ब्रह्मशी वाले, सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार कन्हैया भरते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जब सती ने कहा कि इस कहां जा रहे हैं, बोले आपके पिता ने यज्ञ की है, उसी यज्ञ में जा रहे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले रुष्ट हो गए हैं हमसे, क्यों? आपके पिता ने जब पहले यज्ञ की थी और उस यज्ञ में मैं गया था, जब तुम्हारा पिता यज्ञ सभा में आया तो सबने उन्हें उठकर प्रणाम किया, लेकिन मैं नहीं उठा। तब तुम्हारे पिता ने कहा था कि हे शंकर, मैं हूं या के पिता समाना और याने उठने की न प्रणामा। मैं तो इसके पिता के समान था, तब भी इसने उठकर के प्रणाम नहीं किया, इसलिए रुष्ट होकर के नहीं बुलाया। सती बोली तुम जाओ या न जाओ, लेकिन हमारे मायके की बात है, मैं तो अवश्य जाऊंगी, क्योंकि माताओं को मायके की जमीन की मिट्टी भी बहुत प्यारी लगती है। बोले नहीं मानोगी।